आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कुशीनगर के समउर में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में गोली चलाने वाले सभी शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल, 32 बोर के 4 जिंदा कारतूस, एक तमंचा और 315 बोर के 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हत्या का कारण जमीनी रंजिश बताया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पटेरवा थाना क्षेत्र के समरू में शाम के समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने बिहार से कुशीनगर आए धर्मेंद्र पर गोलियों की बरसात कर दी थी। वहीं धर्मेंद्र यादव के बचाव में आए रामदयाल चौहान के ऊपर भी गोलियां फायर कर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इस बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामकोला चट्टी के पास से फरार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बिहार से आए तीनों छात्रियों ने बिहार के ही निवासी धर्मेंद्र को जमीनी रंजिश में टारगेट बनाकर गोली मारी थी, लेकिन इस बीच भागते समय रामदयाल पर भी गोली चला दी, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने तत्परता को दिखाते हुए गिरफ्तार करने वाली टीम, DIG गोरखपुर ने 50,000 रुपये और SP कुशीनगर ने 25,000 के इनाम की भी घोषणा की है। कल समूर बाजार में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि एक मृतक बिहार का रहने वाला था और उसकी हत्या के उद्देश्य अपराधियों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक स्थानीय निवासी को गोली लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और 3 लोगों को, जो कि घटना में शामिल थे, मौके पे इन्होंने गोलियां चलाई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो हथियार थे जो इस घटना में शामिल थे उनको बरामद किया गया है और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं।